थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब 2020 को मैं समर्थन करने के लिए करा हूँ। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस अमेंडमेंट में 1950 क्लॉज 26 एंड आर्टिकल 366 एंड आर्टिकल 342 इसको बदलाव लाके कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो रिकमेंड किया, हमारा अपना बेटा कुरुबा ट्राइब्स को इंक्लूजन के लिए जो यहाँ बिल लाए हैं, मैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री अर्जुन मुंडा बोरे भाई को भी मैं तारीफ करता हूँ, और यहाँ दानिश साहब हमारा वो जा रहे हैं बोरे भाई, इन्होंने एक बात कहा था यहाँ कि ये एंटी ट्राइबल है। चेयरमैन साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में राष्ट्रपति ट्राइबल हो सकता है और जनजाति गौरव दिवस देश भर में मोदी साहब और अर्जुन मुंडा साहब करवा सकता है, तो ये एंटी ट्राइबल बिल हो नहीं सकता है और एंटी ट्राइबल हो नहीं सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये मेरा चेयरमैन साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, ये बेटा दानिश साहब एक मिनट, मैं कहना चाहूंगा, आज 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस हुए हैं, उस समाज को मैं मुबारक देना चाहूंगा। आज इस बिल का माध्यम से बेटा कुरुबा ट्राइब जो है, आज 75 ईयर्स का बाद ही एसटी स्टेटस मिलेंगे, ये कितना दुख भरी कहानी है। आज देश भर में हर प्रदेश में ऐसे ऐसे ट्राइबल है जिसको अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनली हमने रिकॉग्नाइज नहीं दिया गया था, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व में, अर्जुन मुंडा साहब का नेतृत्व में, आज देश भर में अरुणाचल से लेके यूपी होते हुए आप कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, छत्तीसगढ़, सारा प्रदेशों में उन ट्राइबल लोगों को राइट मिलेगा जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली मिलना चाहिए था, लेकिन इट इज नॉट टू लेट टू स्टार्ट ए गुड बिगिनिंग। मोदी सरकार ने और हमारा अर्जुन मुंडा साहब ने जिन जनजातियों को स्टेटस दिया जा रहा है, इसमें मैं मंत्री जी को भी मैं मुबारक देना चाहूंगा। साथ में मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, स्टेटस देने से नहीं होता है, उसका पहचान भी होना पड़ेगा, उसको देख रेख भी करना पड़ेगा, उसका सुविधा भी देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पूरा राइट दिया गया है, तो इसलिए मैं मंत्री जी का अटेंशन ये द्रो करना चाहूंगा। चेयरमैन साहब, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वाजपेयी साहब का सरकार में मैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में मैं मेंबर एंड आई एम द फर्स्ट वाइस चेयरमैन इन ट्राइबल कमीशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने सारा देश भर में टूर किया हूं और कहां कमी है, कहां हम सुधर सकता है, इसमें मैंने ये बिंदु पकड़ा है, हर स्टेट में एसटीस एंड एससीस का एक ऑफिसर होता है, इसको ड्यूटी बाउंड करना पड़ेगा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। उसका ड्यूटी ये हो कि उसका एट्रोसिटी, उसका बेनिफिशरीज, उसका सारा सब हम सुविधा देखने के लिए स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम ट्राइबल ऑफिसर्स बनाना पड़ेगा डेडिकेटेड टू द ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से इतना स्कीम्स है, ट्राइबल एफोर्ट कर नहीं पा रहा है कि कौन सा ले लू, कौन सा। प्रधानमंत्री का इतना पीएमए हुआ है, हर ट्राइबल घर को बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन डेडिकेटेड ऑफिसर ना होने के कारण बहुत सा स्कीम्स ट्राइबल को पता नहीं है, क्योंकि जो जंगल में है उसको गवर्नमेंट का सुविधा भी पता नहीं है कि हमको क्या बेनिफिट है। तो इसलिए आज हमारा मोदी जी के नेतृत्व में एजुकेशन, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर तक, एजुकेशन के लिए एकलव्या मॉडल स्कूल हर ट्राइबल बेल्ट में, हर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में
इतना सुविधा, इतना बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का साथ एजुकेशन ट्रेवल मिल रहा है। और आयुष्मान भारत मोदी जी के हेल्थ कार्ड हर ट्रेवल घर में पहुंच रहा है और हर घर में नल, हर नल में जल, ये सुविधाएं मिल रहा है। तो इसलिए मैं इस चीज को, इस 100% हो रहा है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा चेयरमैन साहब, इस चीज को मॉनिटरिंग करने के लिए, देख रेख करने के लिए जो स्टेट लेवल में ट्राइबल ऑफिसर है, इसको इस शुड बी डिसेंट्रलाइज अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड ब्लॉक लेवल, डेडिकेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सो दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कैन बी डन इन अकॉर्डिंगली। और सर, इसी सदन में आपका सामने ट्राइबल प्रदेश राइट बिल 2006-07 में पास हुआ था, और बहुत सा ऐसा प्रदेश है इस ट्राइबल प्रदेश राइट बिल का भी इम्प्लीमेंटेशन फुल्ली हुआ नहीं है। इसलिए इसको भी हमारा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर और सरकार देखे कि इसमें ट्राइबल्स का कोई असुविधा ना हो, इसको भी हम लोग को देखना सही है। और साथ में मैं न्यूट्रिशन से लेके पेक एसटी सर्टिफिकेट, माल न्यूट्रिशन बच्चों में जो जंगल में है उसको न्यूट्रिशन दे नहीं पा रहा है कहीं कहीं, और साथ में पेक सर्टिफिकेट, जैसे मैं अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कंसल्टेटिव कमिटी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में है, शेड्यूल ट्राइब का पेक सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट का पेक सर्टिफिकेट, लीगल इम्प्लीकेशंस, लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत है, और इसमें ध्यान देना हम लोग को जरूरी है कि उस ब्लॉक लेवल का उस पंचायत लीडर को अवार्ड देना पड़ेगा कि किस किस लोगों को एसटी सर्टिफिकेट देना चाहिए, किन किन लोगों को एससी सर्टिफिकेट देना चाहिए, ये भी उस ब्लॉक लेवल तक जब एसटी एससी का ऑफिसर बैठेंगे उसमें होगा। और मैं कंक्लूड करूंगा ऑनरेबल चेयरमैन सर, अभी असम में और पूर्वोत्तर राज्यों में आपको पूरा पता है वो ट्राइबल बेल्ट है, असम में भी हमारा 6 ट्राइब्स है जिसको शेड्यूल ट्राइब देना चाहिए, जिसमें ताई आहुम, मोरान, मोतोक, टी कम्युनिटी, कोस राजवंशी, सुटिया, असम में भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेरा बोरे भाई ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर का इस चीज को नॉलेज में है, और मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में योबिन जो विजयनगर, विजयनगर में 75 ईयर्स के बाद इस साल ही गाड़ी पहुंचा है जो बॉर्डर टू म्यांमार। चेयरमैन सर, विजयनगर एक ऐसा जगह है पूरा इस साल ही सड़क पहुंचा है विजयनगर में, वहां का निवासी योबिन अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल लिस्ट में है, लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं लाएंगे वो नेशनल लेवल का ट्राइबल लिस्ट में नहीं आएंगे। ऐसे नागालैंड में भी, मणिपुर में भी ऐसे बहुत सा ट्राइब्स है, तो इसलिए मैं ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को इस बिल को समर्थन करते हुए मैं रिमाइंड करूंगा कि अगर हम मोदी जी के नेतृत्व में और आपका नेतृत्व में ट्राइबल को जस्टिस देना हो तो सारा देश भर में एक सेंसस हो जहां रियली ट्राइबल जंगलों में रह रहे हैं इसको ट्राइबल स्टेटस दिया जाने का प्रोविजन करें। थैंक यू सर, धन्यवाद।